तो देखो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे कि इथोक्साइड बनने के बाद हेलोअल्केन का क्या होगा। तो ये जो इथोक्साइड है वो यहाँ से हाइड्रोजन को उठा लेगा, लाइक दिस, बीटा हाइड्रोजन को। और इथोक्साइड और एच मिलकर के इथेनॉल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के साथ मिलके नया बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन के पास चार बॉन्ड ऑलरेडी थे, फिफ्थ बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर हेलोजन यहाँ से आउट हो जाएगा और आल्कीन बन जाएगा। तो एक प्रोडक्ट आपकी हेलोजन आउट हुई और दूसरा जो है वो आपका इथेनॉल आउट हुआ, मेन प्रोडक्ट आपकी हो गई अल्किन। तो कहने का मतलब, जब हम इथेनॉल के साथ KOH को यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। और जो रिएक्शन होगी उसका नाम है बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। अच्छा, तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर KOH का एक्वियस मीडियम लिया जाए तो देखो क्या रिएक्शन होगी, वो बताता हूँ। तो यहाँ पर सपोज करो कि आपने हेलो अल्केन का हेलो अल्केन के फॉर्म में ब्रोमो इथेन लिया, बराबर, और फिर यहाँ पर आपने KOH लिया, लेकिन वो जो KOH है वो एक्वियस है। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है और OH अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। वो बेस की तरह काम ना करते हुए यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इथेनॉल बनाएगा और आपका साइड प्रोडक्ट जो है वो पोटेशियम ब्रोमाइड KBr जो है वो अलग हो जाएगा। इसका दूसरा रीज़न सॉल्वेशन भी है, जिसको मैं फिर कभी पढ़ाऊंगा, बराबर। फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो बी आर है वो ओ एच से रिप्लेस हो गया। अब बच्चों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स करवा रहा हूँ, बराबर, खास समझ लीजिएगा। ये कन्वर्जन्स आपको एग्जामिनेशन के अंदर काम में आएंगे। याद रखो, मैं अब बुक टू बुक जा रहा हूँ, साथ साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी कराता चला जाऊँगा और शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताता चला जाऊँगा। तो पहला जो कन्वर्जन है, दैट इज वन ब्रोमो प्रोपेन, वन ब्रोमो प्रोपेन टू टू ब्रोमो प्रोपेन। वन ब्रोमो प्रोपेन में से आपको क्या करना है, टू ब्रोमो प्रोपेन को बना देना है, बराबर। तो ले लीजिए यहाँ पर आपका वन ब्रोमो प्रोपेन, ये वन ब्रोमो प्रोपेन हो गया आपका। इसका रिएक्शन हमें देखिए, यहाँ पर वन पोजीशन से ब्रोमीन को हटाना है पहला। तो हटाने के लिए आप एक काम करो, अल्कोहलिक KOH ले लो। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इधर से Br लेगा, बाजू वाले में से हाइड्रोजन लेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोपीन बन जाएगा आपका। प्रोपीन बन गया। अब इसके अंदर HBr का एडिशन कर दो, मार्कोव निकोफ एडिशन HBr। तो मार्कोव निकोफ कम एडिशन के हिसाब से जो Br है वो यहाँ पर लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के पास जाएगा, तो CH3 CH CH2, हाइड्रोजन जो है, सॉरी, Br जो है वो लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के पास जाएगा और हाइड्रोजन जो है उसका ऑपोजिट। तो कहने का मतलब, यहाँ पर आपका CH3 CH Br CH3, मतलब कि टू ब्रोमो प्रोपेन बन गया। देखो, वन ब्रोमो प्रोपेन में से टू ब्रोमो प्रोपेन। अब इसका रिवर्स याद रखना बच्चों, मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पर HBr है और एडिशन जो है वो मार्कोव निकोफ रूल के हिसाब से हुआ है, मार्कोव निकोफ रूल। अब ऐसा क्यों हुआ समझना, यहाँ पर हमको ब्रोमीन को टू पोजीशन पे लाना था, तो सबसे पहले ब्रोमीन को हटाना तो पड़ता। कैसे हटाया, अल्कोहलिक KOH करवाया, अल्कोहलिक KOH करवाया तो आपका यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अल्फा कार्बन पर से ब्रोमीन गया, बीटा कार्बन पर से हाइड्रोजन गया और अल्किन बना, जस्ट अभी सिखा चुका हूँ। अब उसके अंदर आपने मार्कोव निकोफ एडिशन के हिसाब से HBr ऐड कर दिया, तो टू ब्रोमो प्रोपेन बना। अब इसका रिवर्स, रिवर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टू ब्रोमो प्रोपेन में से वन ब्रोमो प्रोपेन बनाएंगे, टू ब्रोमो प्रोपेन टू वन ब्रोमो
प्रोपेन, टू ब्रोमो प्रोपेन में से हम लोग बना रहे हैं वन ब्रोमो प्रोपेन। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, तो स्टार्टिंग मटेरियल आपका टू ब्रोमो प्रोपेन है, इसमें से हमको ब्रोमीन को वन पोजीशन पे लगाना है। तो वही वापस से आपका अल्कोहलिक KOH से करवा दो रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवा दो, तो इधर से BR जाएगा और इधर से आपका हाइड्रोजन जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 इस तरीके से आपका प्रोपीन बन जाएगा। अब आपको वन ब्रोमो प्रोपेन मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन लगाना है, सॉरी वहाँ यहाँ पर ब्रोमीन लगाना है, तो एडिशन होगा, तो यहाँ पर एडिशन होगा इन दोनों के बीच में, वो बात पक्की। इधर ब्रोमीन लगाना होता तो मार्कोव निकोव रूल लगाते क्योंकि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के पास जाता, बट आपको ब्रोमीन इधर लगाना है मतलब आपको एंटी मार्कोव निकोव एडिशन करवाना पड़ेगा HBr के साथ साथ, आपको HBr के साथ साथ आपको पेरोक्साइड भी लेना होगा। पेरोक्साइड लोगे तो एंटी मार्कोव निकोव रूल AMR लगेगा और क्या बन जाएगा, तो CH3 CH2 Br वन ब्रोमो, एक हाइड्रोजन और लगा दो, सॉरी एक कार्बन का यूनिट और लगा दो, तो CH3 CH2 CH2 Br मतलब कि वन ब्रोमो प्रोपेन जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वन ब्रोमो प्रोपेन। बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं विच इज़ रिएक्शन विद मेटल्स। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेटल्स के साथ का रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, रिएक्शंस विद मेटल्स। तो देखो बच्चों जब हेलोअल्केन्स मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के अंदर रिएक्शन करते हैं तब एक स्पेशल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपका हेलो अल्केन है RX, इसका रिएक्शन आप रोक करवा रहे हो मैग्नीशियम मेटल के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन तो करवा रहे हो लेकिन कहाँ पर करवा रहे हो, तो इसको आप लोग करवा रहे हो ड्राई ईथर के अंदर, इसको करवा कहाँ पे करवा रहे हो ड्राई ईथर के अंदर। तो यहाँ पर आर एम जी तो रहेगा ही, इस एम जी के साथ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है हेलोजन जुड़ जाएगा और इसको हम लोग बोल देते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, सॉरी यहाँ पर इसको हम लोग बोल देंगे अल्काइल, क्योंकि आल ग्रुप है ना, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम क्या बोल देंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर आर की जगह पे डाल देता हूँ इथाइल ग्रुप, तो CH3 CH2, एक्स की जगह पे डाल देता हूँ Br, दैट इज ब्रोमीन, तो इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ। यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट के फॉर्म में ले लेंगे ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 MgBr, दैट इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो बच्चों स्पेशल चीज़ें, स्पेशल चीज़ों में ये है कि आर एम जी एक्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड आरएक्स के अंदर मैग्नीशियम मेटल को इनकॉर्पोरेट करके एक दोनों का हाइब्रिड वर्जन बना रहे हो जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप स्पेसिफिकली नोट कर रहे होंगे कि हर बार मैं सॉल्वेंट के फॉर्म में ड्राई ईथर ले रहा हूँ, वाटर को कहीं पर भी जगह नहीं दे रहा हूँ,
इसका जो रीज़न है वो जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। फिलहाल एक और ग्रिगनार्ड रिएजेंट पढ़ लेते हैं जिसका नाम है जो आयोडोबेंजीन में से आपको बना सकते हैं आप उसको। यहाँ पर आप एरिन कंपाउंड ले रहे हो, एरिन कंपाउंड का रिएक्शन करवा रहे हो मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने आयोडोबेंजीन लिया, यहाँ पर आपका फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाएगा। एक चीज़ को खास ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपका सॉल्वेंट ड्राई था, तो मन में क्वेश्चन हमेशा आता रहेगा कि यहाँ पर वाटर को क्यों यूज़ नहीं कर सकते, वाटर सस्ता पड़ता है ना, तो फिर भी ड्राई ईथर ही क्यों यूज़ किया जाता है, या वाटर के प्रेजेंट होने से क्या हो सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट को वाटर की प्रेजेंस में प्रिपेयर क्यों नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाई ग्रिगनार्ड रिएजेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट को वाटर की प्रेजेंस में प्रिपेयर क्यों नहीं किया जा सकता। तो देखो, ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है वो वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करके अल्केन बना देते हैं। कैसे, चलो समझते हैं। सपोज कर लो कि यहाँ पर हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट के फॉर्म में बना लिया RMgX। अब देखिए हाँ बच्चों, इसका बॉन्डिंग बहुत ही स्पेशल टाइप का है। यहाँ पे R है, यहाँ पे MgX है, ये पार्ट प्लस है, ये पार्ट नेगेटिव है, और ये पार्ट अगेन माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर RMgX का रिएक्शन अगर आप लोग वाटर से करवा रहे हो तो वाटर आपको दो चीज़ें देगा, H प्लस और OH माइनस। यहाँ से आपको दो पार्ट मिलेंगे, R माइनस और MgX प्लस। तो ये जो R माइनस है वो इस H प्लस के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो MgX है वो OH माइनस के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब R माइनस और H प्लस कंबाइन होके बना देंगे RH। RH को क्या बोलते हो, अल्केन। RH को क्या बोलते हो, अल्केन। ये आपका अल्काइल, अल्काइल के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो आप बोलते हो अल्केन। अच्छा, Mg और X के बीच में OH आ गया, Mg और X दोनों के बीच में OH आ गया, इसलिए इसको बोल देते हैं MgOHX। क्यों ना एक रिएक्शन का एग्जांपल ले लिया जाए। तो देखो, CH3CH2 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, हम लोग इसका रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ। कौन कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, देखो यहाँ से आपको मिलेगा CH3CH2 माइनस और MgBr प्लस, यहाँ से मिलेगा H प्लस OH माइनस। तो ये H प्लस और ये CH3CH2 माइनस कंबाइन होके बना देंगे CH3CH3 प्लस, ये MgBr और ये OH माइनस कंबाइन होके बना देंगे MgOHBr। क्लियर हो रहा है, यहाँ पर आपका बन गया इथेन। तो आप ध्यान से देखिए, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यहाँ पर ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अंडरगो करता है। यहाँ पर ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो वाटर की प्रेजेंस में किस क्या अंडरगो करता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस अंडरगो करके क्या बना रहा है, अल्केन। देखो,
यहाँ पर हमने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, हाइड्रोलिसिस करवाया, CH3CH2- MgBr+ बना। देखो कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड कमज़ोर था, वो टूटा यहाँ पे। कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड था ना वो टूटा यहाँ पर। तो यहाँ पर CH3CH2- के साथ H+ जुड़ा, तो CH3CH2 था, H+ जुड़ा तो CH3 हो गया। तो CH3CH3 मतलब कि इथेन बना, और ये जो आपका साइड प्रोडक्ट बना MgOHBr वो। तो यहाँ पर आप दोनों ही केसेस में ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन को वाटर की प्रेजेंस में कराएंगे तो वो जो है वो आल्केन बना देगा। क्या बना देगा? आल्केन। कहने का मतलब अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से आल्केन बनाना है तो आप वाटर को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन के लिए वाटर यूज़ करना सही नहीं रहेगा, वो आल्केन बना देगा। चलिए अब इसी के ही अंदर रिएक्शन विद मेटल के अंदर ही दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, विच इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल के अंदर सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, वुड्स रिएक्शन। वुड्स, ठीक है, हम यहाँ पर वुड्स रिएक्शन देख लेते हैं। तो जब हेलो अल्केन्स को सोडियम मेटल के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, लेकिन जब हेलो अल्केन को ड्राई ईथर के अंदर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तब ये लोग आल्केन बना देते हैं। बट यहाँ पर जो आल्केन बनेगा वो ऑलवेज इवन नंबर वाला होगा। चलिए देखते हैं इसको, वुड्स रिएक्शन देखते हैं। बोलते हैं जब हम हेलो आल्केन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, हेलो आल्केन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ इन ड्राई ईथर करवाते हैं, ड्राई ईथर के अंदर करवाते हैं सोडियम मेटल का रिएक्शन, सॉरी हेलो आल्केन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में करवाते हैं तो हमें आल्केन मिलता है, तो हमें आल्केन मिलता है, लेकिन ये ऑलवेज इवन कार्बन एटम कंटेन करता है। ये ऑलवेज क्या करता है बच्चों? इवन कार्बन एटम कंटेन करता है। चलो देखते हैं, सपोज करो कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ RX, यहाँ पर ले रहा हूँ RX, मतलब दो यूनिट ऑफ RX ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। जो सॉल्वेंट है वो आपका ड्राई ईथर है, सॉल्वेंट जो है वो ड्राई ईथर है। तो क्या होगा, ये सोडियम और ये हेलोजन कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पर ये सोडियम और ये हेलोजन कंबाइन हो जाएंगे, तो NaX दो बार हुआ। तो कहने का मतलब दो बार सोडियम हेलोजन, सोडियम हैलाइड आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर R और R बच गए तो वो कंबाइन होके क्या बना देंगे? आल्केन। देखिए आल्केन दो R यूनिट आया, E1 आया, बराबर। ये तो आपका जनरल मेथड हो गया, एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। तो CH3Cl, ठीक है, यहाँ पर ले लेता हूँ CH3Cl प्लस यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सोडियम मेटल, यहाँ पर मैं सोडियम मेटल ले रहा हूँ, सॉल्वेंट के फॉर्म में ड्राई ईथर ले रहा हूँ। ड्राई ईथर ही क्यों वो भी समझेंगे, फिलहाल रिएक्शन समझ लो। तो फिलहाल रिएक्शन के अंदर अगर आपका Na और Cl कंबाइन हो जाता है तो NaCl आउट कर देगा। दो NaCl को तो पहले घर का रास्ता दिखाओ, टू सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर दो CH3CH3 एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बना देंगे? CH3CH3, जिसका नाम है इथेन। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने एक कार्बन वाला हेलो आल्केन लिया था, आल्केन आपको दो कार्बन वाला मिला, ये डबलिंग हो रहा है, एक का दो वाला हिसाब है ना। यहाँ पे एक कार्बन वाला दोगे ना तो दो का देगा, दो लोगे
तो वो चार वाला देगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 + 2 सोडियम, यहाँ पर आपका सॉल्वेंट ड्राई ईथर है, तो क्या आउट होगा बच्चों? पहले तो प्रोडक्ट लिख देते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3 + 2 सोडियम आयोडाइड, यहाँ पर आपका सोडियम आयोडाइड जो है वो आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और लेते हैं, CH3, CH, Cl, CH3, दैट इज़ 2-क्लोरो-प्रोपेन। 2-क्लोरो-प्रोपेन का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ, सॉल्वेंट आपका हमेशा ही रहेगा ड्राई ईथर, तो क्या आउट होगा? देखो यहाँ से आपका क्लोरीन आउट होगा, ठीक है, और ये क्लोरीन और ये सोडियम कंबाइन होकर क्या आउट बना देंगे आपका, यहाँ पर आपका बना देंगे 2 सोडियम क्लोराइड, 2NaCl पहली चीज़। दूसरा, अब यहाँ पर CH3 ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको, नीचे वाला मिथाइल पार्ट इधर डाल देता हूँ, इसके साथ बाजू में CH3 ऐसा लिख देता हूँ +2NaCl। बोलो समझ में आया? डन है, यहाँ से CH3 को नीचे लिख दिया, ये पार्ट इसका है और दूसरे वाले मिथाइल ग्रुप का पार्ट जो है वो ये वाला है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन ये हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं अपने वुड्स रिएक्शन के अंदर, वुड्स रिएक्शन, सबस्ट्रेट के फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं, वन ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, इसके 2 यूनिट ले लिया आपने, प्लस आप यहाँ पर ले रहे हो सोडियम मेटल, इसके भी 2 यूनिट, ड्राई ईथर जो है वो सॉल्वेंट है, ड्राई ईथर आपका सॉल्वेंट है, तो पहली चीज़ तो 2 सोडियम ब्रोमाइड आउट हो जाएगा, 2 सोडियम ब्रोमाइड के यूनिट जो है वो आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होने वाला है? तो देखो यहाँ पर आपका CH2 आएगा, तो यहाँ पर CH3, CH, CH3, CH2, ये इसका 1 यूनिट हुआ। ठीक है, दूसरा यूनिट जस्ट इसका उल्टा लग जाएगा लाइक दिस, CH2, CH, CH3, CH3, क्लियर हुआ? तो देखो ये आपका हो गया वुड्स रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वुड्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन देख रहे हैं, दे आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्किन्स, हेलोअल्किन्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस देख करके उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग समझेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्किन्स। हेलोअल्किन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है, तो इसके लिए सबसे पहले जो रिएक्शन आ रही है वो है वुड्स फिटिग रिएक्शन। अभी जो रिएक्शन देखा था ना उसका ही थोड़ा सा मॉडिफाइड रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो देखो बच्चों, वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर हम लोग हेलोअल्किन का और हेलोएरिन का ड्राई ईथर के अंदर मिक्सचर जो है उसको हीट करते हैं, तो आपका अल्काइल बेंजीन जो है वो प्रोड्यूस होता है, वापस हेलोअल्किन का और हेलोएरिन का सोडियम मेटल की प्रेजेंस में हम लोग हीटिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपका अल्काइल बेंजीन जो है वो प्रोड्यूस होता है। समझिएगा, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बेंजीन या हेलो बेंजीन ले रहा हूँ, ठीक है, तो हेलो बेंजीन के साथ मैं रिएक्ट करा रहा हूँ RX को,
तो देखिए मैं पहले आर एक्स रिएक्शन करा रहा था, अब यहाँ पर हेलो बेंजीन प्लस आर एक्स रिएक्शन करा रहा हूँ। दो सोडियम मेटल भूलने नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर टू सोडियम ड्राई ईथर जो है वो सॉल्वेंट होगा, ड्राई ईथर सॉल्वेंट। तो यहाँ का एक्स, यहाँ का एक्स, यहाँ के दो सोडियम मिलकर के क्या बना देंगे, तो यहाँ पर मिलकर के 2NaX बना देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बचा कौन, तो यहाँ पर बेंजीन बचा, बेंजीन बचा, ऊपर R लगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है वुड्स रिएक्शन का, अल्काइल बेंजीन जो है वो यहाँ पर आपका मिल जाएगा। चलिए एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं तो फटाक से चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। X की जगह पे ले लो क्लोरीन, यहाँ पर आपका ले लो मिथाइल क्लोराइड, रिएक्शन इसका करवा दो सोडियम मेटल के साथ। चलो ये आपका हो जाएगा ड्राई ईथर। तो यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, साथ साथ में 2NaCl आउट हो जाएगा। अब कब से हम लोग बात कर रहे हैं ड्राई ईथर यूज़ करना है, ड्राई ईथर यूज़ करना है, ऐसा क्यों? तो समझो यहाँ पर सब रिएक्शंस के अंदर, वुड्स रिएक्शन हो या वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो, अब ध्यान से देखो तो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड जैसा कोई सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो सॉल्ट है वो ड्राई ईथर के अंदर इनसॉल्यूबल है, ये सबके सब सॉल्ट ड्राई ईथर के अंदर इनसॉल्यूबल है। कहने का मतलब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये मीडियम के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। अगर मीडियम के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे तो इसको सेपरेट करना बहुत आसान होगा, सेपरेट करना बहुत आसान होगा, तो इसका मतलब आप इसको बहुत आसानी से अलग कर सकते हो। इसको निकालते रहो ला शटेलियर के प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होती रहेगी। रिएक्शन अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट होती रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बनती चली जाएगी। क्लियर हुआ? ये सिंपल रीज़न है जिसकी मदद से हम लोग ड्राई ईथर को यूज़ करते हैं यहाँ पर, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो, वुड्स रिएक्शन हो, या सिंपल अब हम फिटिंग रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो फिटिंग, वुड्स फिटिंग रिएक्शन का स्टेटमेंट अगर आपको लिखना हो तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर आप स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसा लिखोगे कि व्हेन हेलो अल्केन इज रिएक्टेड विद हेलो एरिन द अल्काइल बेंजीन्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, अल्काइल बेंजीन्स आर ऑब्टेन्ड। एग्जाम्पल इज व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड सोडियम मेटल वी गेट टोलुइन एंड सोडियम क्लोराइड एज द बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस वॉज द सिंपल स्टेटमेंट अबाउट वुड्स फिटिंग रिएक्शन। हम लोगों ने अभी तक वुड्स रिएक्शन देख लिया, हम लोगों ने वुड्स फिटिंग रिएक्शन देख लिया, अब बच्चों हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिटिंग रिएक्शन देखेंगे। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं तीनों के अंदर, ऐसा ना हो इसके लिए आप लोग एक बार लिख करके अवश्य क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। तो सी जो है दैट इज योर फिटिंग रिएक्शन, सी इज योर फिटिंग रिएक्शन। तो देखो फिटिंग रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, तो हेलो एरिन्स को सोडियम के साथ ड्राई ईथर के अंदर रिएक्ट करोगे, डाइफिनाइल या तो बाइफिनाइल आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, समझना। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, हेलो एरिन प्लस हेलो एरिन को, मतलब हेलो एरिन्स को आप लोग सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराओगे, ड्राई ईथर के साथ, तो आपको या तो डाइफिनाइल मिलेगा या तो बायफिनाइल मिलेगा, बायफिनाइल या तो डाइफिनाइल जो है आपका एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं रिएक्शन क्या कहता है। तो रिएक्शन के अंदर आप हेलो एरिन के फॉर्म में इसको ले लीजिए, हेलोइन के फॉर्म में आपने इसको ले लिया है जो है हेलो बेंजीन, ठीक है। इसके दो मोल्स ले लें, ऑब्वियसली सोडियम मेटल के भी आपको दो मोल्स लेने हैं। यहाँ पर आपका ड्राई ईथर आएगा,
ये 2 मोल्स ऑफ सोडियम इस तरीके से 2 मोल्स ऑफ हेलोजन के साथ कंबाइन होकर के सबसे पहले तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड बनाएंगे। 2 मोल्स ऑफ क्या बना देंगे? सोडियम हैलाइड। तो एक बेंजीन यहाँ पर बचेगा और दूसरा बेंजीन भी उसी तरीके से होगा। तो ये दोनों बेंजीन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर हो रहा है? इसको हम लोग बोल देते हैं डायफिनाइल या तो बायफिनाइल। बोलो कैसी बात है? नहीं, डायफिनाइल या तो बायफिनाइल, इसको हम लोग बोल देते हैं डायफिनाइल या तो फिर बायफिनाइल। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पढ़ा रहा हूँ आपको, विच इज बेंजीन टू डायफिनाइल। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट अगर आपको कोई पूछे तो क्या लिखोगे? तो स्टेटमेंट में लिखोगे कि व्हेन हेलोएरिन्स आर रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम सॉल्ट ऑफ द हेलोजन इज प्रोड्यूस्ड एंड डायफिनाइल और बायफिनाइल इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जन जो है वो कुछ इस तरीके से है, बेंजीन टू डायफिनाइल। बेंजीन टू डायफिनाइल कन्वर्जन देख लेते हैं। बेंजीन टू डायफिनाइल, बेंजीन से डायफिनाइल का कन्वर्जन देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा हमारे को स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो क्या लेना है? तो स्टार्टिंग मटेरियल आपको बेंजीन लेना है। हमें डायफिनाइल बनाना है तो सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा था कि 2 हेलोएरिन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो 2 हेलोजन आउट हो जाएंगे सोडियम के साथ कंबाइन होकर, और 2 बेंजीन जुड़ के बायफिनाइल बना देंगे। तो आपको कहना क्या मतलब, हेलोएरिन चाहिए होगा सबसे पहले, तो वो बात पक्की है बराबर। तो एक काम करो, बेंजीन का क्लोरीनेशन कर दो Cl2 FeCl3 के साथ। बेंजीन का यहाँ पर एनहाइड्रस FeCl3 के साथ, या AlCl3 भी यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। कैटलिस्ट के फॉर्म में एक काम करो, AlCl3 ही यूज़ कर दो, एनहाइड्रस वाला AlCl3 एनहाइड्रस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हमने ये रिएक्शंस पढ़ी हुई है बराबर। अब इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप लोग करवा दो सोडियम मेटल के साथ। इसके 2 मोल्स लेना और इसका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा दो। 2 सोडियम क्लोराइड आउट हो जाएंगे और यहाँ पर एक बेंजीन इस तरीके से और एक बेंजी इस तरीके से, ठीक है, जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा प्रॉपरली ड्रॉ कर देते हैं वरना बेंजी को बुरा लग जाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो देखिए, ये आपका बन गया डायफिनाइल और बायफिनाइल। तो आपने यहाँ पर बेंजीन में से डायफिनाइल बना दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिखना कंपलसरी है। रिएक्शन बैलेंस नहीं करोगे चल जाएगा, बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के IUPAC या तो कॉमन नेम लिखना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर है? तो बच्चों, यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर यहाँ तक रख रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे हेलोएरिन्स की। क्लियर है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।